सुकहो टल गुर सेविया अहिंस सहज सुखाय दर्शन परसे ठे सचे पात माल जानम जानम दी कटी सज्जन सचा पात सिर सहंद साहू जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसा सज्जन सचा पात सिर सहंद साहू जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसा सतनाम वाहे गुरु साहिब जी जैत सारी महला पंजवा कार दूजा छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सलोक उच्चा अगमे अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति रखन कौ समरथ उच्चा अगमे अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति रखन कौ समरथ छंत ज्यों जान त्यों राख हर प्रभ तेरे केते गणो आसंख अवगण मेरे आसंख अवगण खाते फेरे नित प्रात सद फूलिया मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी खुलिया लोक करत बेकार बिखड़े प्रभ ने रहूते नेरिया बिनवंत नानक दया धारो काढ़ भवजल फेरिया सलोक निरत न पवाया संख गुण ऊचा प्रभ का नाम नानक की बेनंती मिलन थावे था छंत दूसर नाही ठाव का पह जाइया आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याइया त्याए सो प्रभ सदा अपना मन है चिंदिया पाइया तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों लिव लाइया अर्प मन तन प्रभु आग आप सगल मिटाइया बिनवंत नानक थार कृपा साच नाम समाइया सलोक रे मन ताकौ ध्याइया साबित जाकै हाथ राम नाम तन संचिया नानक निभै साथ संत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतरे आप जल थल पूर सोए जल थल मही अल पूर रहे सर्वदाता प्रभ थनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गानी पज सरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया धारो तिस प्राप्त नाम होए सलोक
चित जे चितवेया सो मैं पाया, नानक नाम त्याए सुख सवाया, छंत अमन छूट गया साधु संग मिले, गुरमुख नाम लया ज्योति जोत रले, हर नाम सिमरत मिटे किल बिख, बुरी तप्त अखनिया गह पुजा लीने, दया कीने अपने कर माने, लै अंक लाए हर मिलाए, जन्म मरना दुख जले, बिनवंत नानक दया थारी, मेल लीने इक पले, लै अंक लाए हर मिलाए, जन्म मरना दुख जले, बिनवंत नानक दया धारी, मेल लीने इक पले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। गुरु रूप साध संग जीओ, अज दा महान वाक कई छंद ने, कई श्लोक ने, पर मूल विचार इको ही है सारे छंदां विच, सारे श्लोकां विच, कि वो उच्चा है, उच्चा है, बहुत उच्चा है। फिर भी अज उचाई नूं, लंबाई नूं, गहराई नूं साइंस ने नापया, सूरज की बुलंदी भी उन्होंने दस दिती है, बई इतना उच्चा है। चंद्रमा की उचाई भी उन्होंने दस दिती है, सागर की गहराई भी उन्होंने दस दिती है, बई प्रशांत महासागर पैसिफिक सी घट तो घट 30,000 फुट गहरा है। गरज के मनुख का शौक है, ये जो वस्तु है नाप लईए, तौल लईए, कितनी उच्ची है, कितनी गहरी है, ये आदि काल तो मनुख का शौक रहा है। मनुख की समझ विच ये गल आई है, नापना है, तोलना है, उचाई नापनी है, गहराई नापनी है, लंबाई नापनी है। उच्चा है, उच्चा है, कितना कह, तो फिर महाराज कह दें कहन ना जाई अकथ, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, जो नापया है नहीं कह सकते, चाहे गहराई नापीए चाहे ऊंचाई ना पिए। ये जड़ा शब्द है नेत नेत, नेत नेत बण तृण कैत, ब्रह्मे बिन्ने भी नेत नेत कहंत बेदा, वेद कह रहे ने नेत नेत। नेति का मतलब है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अखरी अर्थ ये ने, नेत नेत ये नहीं है, ये नहीं है, जो वेख्या है ये सीमा नहीं है, जो आख्या है नेत ये नहीं है, ये सीमा नहीं है, जो सुनिया है नेती नेती ये सीमा नहीं है, और इसे तरीके नाल जो सोचे है समझे है नेत नेत ये सीमा नहीं है, नहीं है, जो सोचे है वो भी ठीक नहीं, जो कथन कीता है वो भी ठीक नहीं, जो वेखे है ये भी पूर्ण नहीं, जो सुनया है वो भी पूर्ण नहीं। मनुख दे कोलों समझण दे
जानन दे वसीले यही ज्ञान इंद्रे ने ते मन है, और ते कुछ है नहीं। अकल है, समझ है, विचार शक्ति है, सोच शक्ति है, वेखण दी शक्ति है, सुनन दी शक्ति है, बोलन दी शक्ति है। इहदे बारे ते गुरबाणी कहिंदी है नेत नेत कहंत वेदा, नेती नेती जो वेखे है नहीं है, नहीं है जो बयान कीता है नहीं है, नहीं है फिर क्यों बयान कीता है। दूजा प्रश्न खड़ा होवेगा, तर्क खड़ी होवेगी, फिर क्यों वेखे है, वेखे है कितना है, वेख वेख के ए वेखे है, नेती नेती जो वेखे है ए वेखण दी सीमा ने। कथन कीता है कि पूरन कथन कर सकिए, पर कथन कर करके वेखे है नेती नेती अकथ नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। पूरी कोशिश कीती है समझण दी, जानन दी, फिर जान जान के ए जाने है नेती नेती जो मैं जाने है एदी सीमा है, जो है वो असीम है। जो मैं कथन कीता है एदी सीमा है, और जो है वो असीम है। जो मैं समझे है ओदी सीमा है, और जो है वो असीम है। ये छंद ते श्लोक कुछ इस तरह बयान पे कर दे। इस संबंध च अगर किसी का कोई ऐसा दावा होवे मैं जान लिया पूरा, क्योंकि इस तरह के दावे करन वाले दास नूं ते हर शहर दे च मिल जाते हैं। दावा आंदा असी जानते हैं, सानूं सब पता है। इस तरह के दावे करन वाले करीबन करीबन हर शहर दे च मिल जाते हैं, पर इस तरह के कहन वाला मैं नहीं जानता, नहीं जानता। जानन की कोशिश की है, मेरे जानन की सीमा है वो असीम है। ऐसा रंग रतड़ा कदी कदाई मिलता है, ऐसी रंगी हुई रूह कदी कदाई मिलती है। इस पावन पवित्र वाक देच जो कुछ बयान किया गया वो मैं फिर अर्ज कर दिया, मनुख दे कोल समझण दे वसीले ए ज्ञान इंद्रे ने ते मन है, बुद्ध है। लेकिन उसनों आख्या गया मन बाणी बुद्ध तो परे परे। मन अपने विचार देच निरंकार नो नहीं लिया सकता, बुद्ध उसनों समझ देच नहीं लिया सकती, जबान उसनों कथनी देच नहीं लिया सकती, नहीं लिया सकती। लेकिन ऐसा भी कथन कर करके ही बयान कीता गया है कि अकथ है, इतना ते अख है, अकथ है। जो कह है एदी सीमा है, जो है ओ असीम है। जिनू समझे है ओदी सीमा है, जो है ओ असीम है। जिनू सुने है ओदी ते सीमा है, जो है ओ असीम है। तो असीम नो फिर समझण दा, कथन करण दा, वेखण दा कोई वसीला नहीं, नहीं है। तो इत्थे पता है नास्तिकां ने की कह दिता है, जो है ही नहीं। ये संत एवें रौला पाई जांदे, दुनिया नूं धोखा देई जांदे। जे कहिंदे आ समझाओ ते कहिंदे ने समझ तो परे, जे कहिंदे आ बयान करो तो कह देंदे ने अकथ है।
अकथ है। विज्ञान ऐसा कहिंदा है दुनिया च कोई अजूबा ऐसा नहीं जो समझ दे च नहीं आ सकता, कोई ऐसा मौजदा नहीं जो समझ दे च नहीं आ सकता। आज नहीं आया समझ च कल आ जाएगा, कल नहीं आया समझ दे च परसों आ जाएगा। रोज रोज मनुख दी बुद्ध विकसित हो रही है, रोज रोज मनुख दे मानसिक मंडल दा विकास हो रहा है। जो अज समझ दे च नहीं आया कल आ जाएगा, पर ये क्यों कहंदे हो? मन बाणी बुद्ध तो परे है। अगर मन बाणी बुद्ध तो परे है तो कहंदन है ही नहीं, अगर है तो कोई प्रूफ दो। तुसी सत्संगी हो इस वास्ते मैं कह रहा, तुसी रोज दे सरोते हो, समझदार हो। एक भी अवतार प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सके, एक भी। एक भी पूर्ण संत प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सके। वक्त दी हकूमतां, वक्त दे बागी लोग उन्हां नूं कहिंदे रहे तुसी झूठे हो, झूठे हो, जे है ते प्रत्यक्ष प्रमाण दिओ, बयान करो, समझाओ। करीबन करीबन सारियां ने कह दिता है, महदूद है साड़ी समझ, ओ ला महदूद है, ला महदूद है, असीम है। सीमित है साड़ी समझ, ओ असीम है, ओ असीम है। ते दूजी तर्क नास्तिकां दी पता की है? क्या वो जो असीम है थोड़ी समझ दे च नहीं आया? नहीं आया तो फिर नहीं है, नहीं है। आज तक नास्तिकां दी तसल्ली कोई नहीं करा सके, नहीं करा सके। इसदे उत्ते पंचदशी रिच एक बड़ी सुंदर कहानी लिखी हुई है समझाण वास्ते। नमक दियां 10-15 डलियां समुंदर दे कंडे बैठ के विचार वटांदरा कर रही सन। पुराणक जिहड़ियां साखियां ने ना ये समझाण दा इंज ढंग से। नमक दियां डलियां ते सारियां ने समुंदर दी व्याख्या करनी सी। एक डली कहे इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, दूजी कहे नहीं इतना नहीं इतना है और इतना गहरा है। तीसरी ने अपनी व्याख्या की थी, चौथी ने अपनी व्याख्या की थी, पंजवी ने अपनी व्याख्या की थी। जिहड़ी मुखी डली सी सब तो वड्डी, उन्हें आख्या इंज है, तुसी किनारे ते रह के बयान कर रही हैं। उन्हें किनारे थे इस वास्ते मैं हूं किनारे तो गल नहीं करांगी, मैं सागर दे विच जानी है। मेरी उड़ीक करियो, मैं नाप के गहराई लंबाई चौड़ाई नाप के वापस आवांगी, थानू दसांगी। तुसी किनारे तो दस दे पे हो, मैं सागर दे विच जा के दसांगी। पंचदशी की कहानी है, हजारां साल लंघ गए ने, वो बेचारियां नमक दियां डलियां उड़ीकदियां पईयां ने, अज आवेगी कल आवेगी ते सानू दसेगी सागर कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है। वो नमक दियां डलियां उड़ीक पईयां कर दी, उड़ीक पईयां कर दियां। फिर कहानी इत्थे नहीं मुकदी। उन्हां नमक दियां डलियां ने आपस विच फैसला कीता
झूठी सी तदी वापस नहीं आई, शर्मसार होनी सी, झूठी सी, झूठा दावा किया, नाप नहीं सकी गहराई चौड़ाई लंबाई। तो हुण साढ़े कोल शर्मसार ना होवे, इस वास्ते वापस नहीं आई। एक ने होर हिम्मत की थी, चलो आपां सागर नूं छड़दे आं उहनूं लभीए जिन्हें इन्ना झूठा दावा किया, उहनूं लभीए। वो जिहड़ी दूजी गई ना, वह भी हजारां साल हो गए वापस ना ही, बाकी उड़ीकदियां पईआं, उड़ीकदियां पईआं। जिहड़े लीन हो गए, यकीन जानो कुछ कहण जोगा रह ही ना। उन्होंने कह दिता अकत है, ते जिहड़े किनारे ते रह गए उन्होंने कहा है ही नहीं, गल खत्म, गल खत्म। ये दुबदा करीबन करीबन हजारां साल तो बनी हुई है। एको ही तरीका है, सागर दे विच छाल मार। पर सागर दे विच छाल मारदे अपनी होंद रहिंदी नहीं रहिंदी। जब हम होते तब तो ना, कहिंदे ने दो नहीं रहिंदे, उस हालत दे विच एक रह जांदा है। एक जब हम होते तब तो ना, मेरी दुनिया च तो नहीं सी, नहीं सी। फिर हुण की है, हुण मैं नहीं हाँ, मैं नहीं हाँ। लाहौर दे स्वामी राम तीरथ, राम उन्हां दा नाम सी, स्वामी राम तीरथ, अपने आप नूं राम कहिंदे सन। एक दिन कुत्ते ने कट खादा ते कहण लगे, अज राम नूं कुत्ते ने बड़ा कटिया, बड़ा खून निकलिया, अज राम बड़ा परेशान होया। अद्धे लोग तो उसनों पागल कहण लग पए सन, अपने आप नूं बादशाह भी कहिंदे सन। कारण राम ही रह गया सी, राम तीरथ ते खत्म हो गया सी, गल इतनी सी। जब हम होते तब तो ना आए, अब तो ही मैं ना आए। रहेगा तो एक, जिन्ने चिर तक मैं हाँ तो फिर मनुख कह सकता है नहीं है, नहीं है। तो नमक दी डली गई, हुण नमक दी डली नहीं है, गल खत्म, हुण नमक दी डली नहीं है। ते बाकियां डलियां नूं कौन समझा है, सागर असीम है, अकथ है, कौन समझा है।